नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Infinix Note 40X 5G versus Vivo T3X का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Note 40X में 6.65 इंच जबकि T3X में 6.52 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि Note 40X से कम है। विड्थ की बात करें तो Note 40X में 3.01 इंच जबकि T3X में 2.99 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। बात करें थिकनेस की तो Note 40X में 0.33 इंच जबकि T3X में 0.31 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो Note 40X में 201 ग्राम जबकि T3X में 199 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि सेम जैसा ही है। चलिए अब हम डिस्प्ले की तुलना करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Note 40X में IPS LCD जबकि T3X में LCD की डिस्प्ले मिलती है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Note 40X में 6.78 इंचेस जबकि T3X में 6.72 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Note 40X में 1080x2460px FHD+ और T3X में 1080x2408px FHD+ मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Note 40X में 84.6% जबकि T3X में 86.58% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Note 40X में 396 पिक्सेल प्रति इंच जबकि T3X में 393 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो नोट 40X में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में AI लेंस देखने को मिलता है। और T3X की बात करें तो इसमें 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Note 40X में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और T3X की बात करें तो उसमें 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Note 40X में Mali G57 MC2 जबकि T3X में Adreno 710 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Note 40X में MediaTek Dimensity 6300 और T3X में Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 मिलता है। बात करें RAM की तो Note 40X में 2 ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें 8GB 12GB की RAM मिलती है जबकि T3X में 3 ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें 4GB 6GB 8GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Note 40X में 256GB जबकि T3X में 128GB स्टोरेज मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V14 देखने को मिलती है। बैटरी Note 40X में 5000 mAh जबकि T3X में 6000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Note 40X में 3 कलर्स जबकि T3X में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Note 40X में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 14,999 रुपीस
12 गीगाबाइट रैम 256 गीगाबाइट स्टोरेज के साथ 15,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें T3X की तो उसमें तीन वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4 गीगाबाइट रैम 128 गीगाबाइट स्टोरेज के साथ 13,499 रुपीस, 6 गीगाबाइट रैम 128 गीगाबाइट स्टोरेज के साथ 14,999 रुपीस, 8 गीगाबाइट रैम 128 गीगाबाइट स्टोरेज के साथ 16,499 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो इन्फिनिक्स नोट 40X 5G में 4 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें वीवो T3X की तो उसमें 8 फायदे और 6 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में नोट 40X आगे है, मेन कैमरा में नोट 40X आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में T3X आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo Y200e 5G है, दूसरा Realme 12 5G है, तीसरा Samsung Galaxy M14 4G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Oppo K12 X 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रिय दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।